और वहीं मायावती ने आकाश आनंद को हटा दिया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया गया है आकाश आनंद को। उत्तराधिकारी पद से भी आकाश आनंद को हटाया गया, मायावती ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो आकाश आनंद से मायावती ने सारी जिम्मेदारियां छीन ली है, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से उनको हटा दिया गया है और साथ ही साथ मायावती ने उत्तराधिकारी के पद पर जो उन्हें बैठाया था उससे भी हटा दिया है और ट्वीट कर इस बात की जानकारी मायावती की ओर से दी गई है कि आकाश आनंद को अब कोऑर्डिनेटर के पद से तो हटाया ही गया, साथ ही उत्तराधिकारी के पद से भी हटा दिया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है, तो ये जिम्मेदारियां जो आकाश आनंद को मायावती की ओर से दी गई थी वो सभी जिम्मेदारियां अब वापस ले ली गई हैं, छीन ली गई हैं उनसे। मायावती की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि आकाश आनंद अभी इतने मैच्योर नहीं है कि इन जिम्मेदारियों को वो हैंडल कर पाए। वही बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। इसको लेकर लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बहुजन समाज पार्टी या सुश्री मायावती जी किसको किस पद पर रखती हैं, किसको कद पर रखती हैं, ये उनका निजी और आंतरिक मामला है। लेकिन एक चीज तय है कि जिस प्रकार से उन्होंने श्री आकाश आनंद जी को कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है और एक शब्द इस्तेमाल किया है मैच्योरिटी, तो उस पर मायावती जी के निर्णयों पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। अगर वो मैच्योर थे तो उन्हें बनाया क्यों था? जब वो जमीन पर भाषण देने लगे, जब वो बहुजन समाज के साथ काम करने लगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करने लगे, तभी आपने उनको पद से हटा दिया। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से टिकट चेंज कर रही हैं मायावती जी और अब आकाश आनंद जी को हटाया है, तो भाजपा से मिलीभगत स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। अगर आपको समझौता करना है तो खुले में कर लीजिए। आप बंद कबड्डी क्यों खेल रहे, कभी जौनपुर का टिकट चेंज कर रही हैं, कभी बस्ती का टिकट चेंज कर रही हैं। देखिए, बसपा और भारतीय जनता पार्टी का अघोषित गठबंधन है, ये जनता देख रही है। जिस तरीके से बसपा के टिकट का बंटवारा हुआ, फिर टिकट बदलने के फैसले हुए, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। और आज जिस तरीके से आकाश आनंद को उनके पदों से बर्खास्त किया गया है, वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल पूछ रहे थे और भाजपा को वो सवाल चुभ रहे थे, आदरणीय मायावती जी ने आकाश आनंद को बर्खास्त करके ये बात जग जाहिर कर दी है कि बसपा और भाजपा का अघोषित गठबंधन है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता सब देख रही है और जनता जवाब देने का काम करेगी।